देखते हुए मानसून ने इस बार प्रदेश के कुछ जिलों में ऐसी तबाही मचाई कि इस बारिश और बाढ़ ने बर्बाद कर दिया। सितंबर आधा खत्म हो चुका है, लेकिन न बारिश खत्म होने का नाम ले रही, न नदियों का जलस्तर कम हो रहा। देखिए सितंबर में सैलाब का हाहाकारी सितम। गांव डूबे, शहर डूबे, खेत डूबे, खलिहान डूबे, सड़कों पर नाव, प्रशासन पर दबाव, बारिश बेहिसाब, नदियों में सैलाब, बह गया स्कूल, डूब गया घर बार, बही दुकान, ढहा मकान, तबाह इंसान। बारिश और बाढ़ ने किया जीना दुश्वार, हर तरफ आसमानी प्रहार से मचा हाहाकार, जल की कैद में जिंदगी, कहीं राप्ती का कहर है तो कहीं घाघरा का प्रकोप है, सरयू भी अपने पूरे उफान पर है। उत्तर प्रदेश में जाते मानसून के अलविदा के समय फिर से आई बाढ़, बारिश और बर्बादी। देखिए सितंबर में सैलाब का हाहाकारी सितम। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों जोरदार बारिश होने के बाद अब भी मानसून की सक्रियता बरकरार है और अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के पूर्वी हिस्सों में अनेक स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है और इसी के साथ राज्य में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मानसून ने जितनी तबाही जुलाई अगस्त में नहीं मचाई, उससे ज्यादा सितंबर में लौटते मानसून ने मचा दी है। आसमान से बादल फाड़ कर पानी बरस रहा है और नदियां नाले उफान पर। जाते जाते मानसून की इस बारिश ने यूपी के कई जिलों की पोल खोल करके रख दी है। क्या शहर क्या गांव, हर जगह बारिश का कहर है। श्रावस्ती, बाराबंकी, गोंडा और सिद्धार्थनगर आसमानी प्रहार से हर तरफ यहां पर हाहाकार मचा हुआ है। आफत की तस्वीरें श्रावस्ती से हैं, जहां राप्ती नदी में आई बाढ़ लोगों पर मुसीबत बनकर टूट रही है। कागजों और आंकड़ों में भले ही नदी का जलस्तर नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी राप्ती खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर ही बह रही है, जिससे आसपास के कई गांव बुरी तरह से प्रभावित हैं। बाढ़ की वजह से कई रास्ते बंद पड़े हुए हैं। कौन गांव रहती हूँ? यह एक घर बना है। ये पानी वानी कब से भर गया? बाढ़ के कहर से बचाने के लिए कुछ लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, लेकिन गांवों में बचे हुए कुछ लोग अपनी छतों पर जीवन बसर करने पर मजबूर हैं। अभी ये नदी से आए भैया, बाढ़ से। कितने घर लगभग डूबे हुए हैं? अब देखा जाए पूरा सिवान तो पूरा है, पानी भरा हुआ है, जो बाहर बाहर मकान भरे हुए। राप्ती नदी में नेपाल की ओर से पानी आने के कारण जिले में तबाही की तस्वीर है। 35 से ज्यादा गाँव जलमग्न है। बाढ़ से आई आफत की दूसरी तस्वीर बाराबंकी से है, जहां घाघरा और सरयू नदी ने 65 गांवों को अपने चपेट में ले लिया है। नेपाल से घाघरा सरयू नदी में छोड़े गए पानी की वजह से तराई में तबाही शुरू हो गई है और करीब 2 दर्जन से ज्यादा गांव नदी के निशाने पर हैं। बाढ़ के पानी की वजह से तराई क्षेत्रों में हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ के पानी का जल स्तर खतरे के निशान से 57 सेंटीमीटर ऊपर पहुँच गया है। उत्तर प्रदेश में हुई बारिश का असर साफ सरयू नदी में देखा जा सकता है और गांवों से लोगों का पलायन भी शुरू हो चुका है। लगातार हो रही कटान की वजह से घाघरा नदी लोगों के घरों तक पहुंच गई है, जिससे खेती बाड़ी तो पहले से ही बर्बाद है और काम पर निकलने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। लोग ये चाहते हैं कि एक यहाँ पर पिचन बांध दी जाए, ठोकर बांध तो बांधा नहीं जा सकता है, लेकिन ये पिचन बांध दिया जाए तो ये गांव को कटान रुक सकती है। अगर जल स्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो घाघरा नदी के बीच से गुजरने वाली रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों के आवागमन पर भी इसका असर पड़ सकता है।
गोंडा में लगातार पहाड़ पर हो रही बारिश और तीन बैराजों से पानी छोड़े जाने के बाद घाघरा नदी खतरे के निशान से 69 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। 24 घंटे के अंदर नदी का जलस्तर दोगुना हो गया है। घाघरा नदी के किनारे बसे लगभग एक दर्जन गांव पानी से घिरकर टापू में तब्दील हो गए हैं। सड़कों पर, रास्तों पर पानी भर गया है, जिस वजह से लोग पानी में आने जाने को मजबूर हैं, टापू बन गए हैं। जल भराव और गंदगी की वजह से जीना मुहाल हो गया है। दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने राहत और बचाव का दावा किया है, साथ ही सिंचाई विभाग के अधिकारी बांध पर नजर बनाए हुए हैं। वहाँ पर हमारी जो 24 चौकियाँ हैं हमारी तहसील में, सारी एक्टिवेट कर दी गई हैं। हमारे कर्मचारी, मेडिकल टीमें सारी अलर्ट हैं और नाव की समुचित व्यवस्था कर दी गई है, नाविक तैयार हैं। बाढ़ की चौथी तस्वीर सिद्धार्थनगर से है, जहाँ बूढ़ी राप्ती नदी तेजी से कटान कर रही है, जिसकी जद में लगभग 50 घर आ गए हैं, जिससे किसी भी समय बड़ी दुर्घटना होने के आसार है। गांव वालों का आरोप है कि इतना होने के बावजूद भी जिला प्रशासन के अधिकारी गांव में झांकने तक नहीं आते। उत्तर प्रदेश में राप्ती, घाघरा, शारदा, कुआनो, बूढ़ी राप्ती खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मुख्यमंत्री ने गोंडा, बस्ती, अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया, मऊ, बलिया, अयोध्या जिले के जिलाधिकारी और पुलिस प्रमुखों को बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए गांवों और शहरों में लोगों की सुरक्षा, बचाव एवं राहत के लिए व्यवस्थित इंतजाम किए जाने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी हिस्सों के 15 जिलों में अगले 24 से 48 घंटे के दौरान गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है। आसमानी अटैक में सब ऐसे ही जलमग्न हो जाता है, तभी कुदरत के रौद्र का पता चलता है। बारिश के मौसम की एक ऐसी त्रासदी जिससे निपटने का कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि सैलाब जहां खुद अपना रास्ता बना लेता है, बस्तियां वीरान हो जाती हैं, खेत खलिहान डूब जाते हैं, इंसान बेबस हो जाता है, कुदरत की इस असीम ताकत के आगे किसी की एक नहीं चलती। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।